हेलो आप सब, मुझे उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं, जो आपका बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी आपका पैसा 100% 200% का होता हुआ देख सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग बस एक चीज़ देखिए, एक टाइम पर यह हुआ करता था 70 रुपीज़ का, समझ रहे हो ना। 70 रुपये से गिर कर कहां गया, अब ट्रेड कर रहा है 20 से 21 की रेंज में और एक ब्रेकआउट के पास है। देख सकते हो आप, ये वाला ब्रेकआउट इसने 20 के ऊपर निकाल दिया विद वॉल्यूम। तो अब आप लोग 1 वीक की कैंडल में देखो, 1 वीक की कैंडल में इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी टाइम से एक ह्यूज वॉल्यूम आ रहा है बट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। बट फाइनली अब क्या हो रहा है, फाइनेंस सेक्टर का है ये छोटा सा स्टॉक। आप लोग कमेंट सेक्शन में बिना नाम देखे बताना, नाम मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इसी वीडियो में, बट उससे पहले आप लोग लॉजिक समझो, क्योंकि जब तक आप लोग लॉजिक नहीं समझोगे आपको कुछ भी मज़ा नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो एक वॉल्यूम के साथ फिर से इसने अगेन ट्राई करा है। अब अगर ये 22.50 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये बूम 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 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको IRB दिया ना, सेम डे 14-15%, ये सेम डे क्या आप ये लगा लो 22.50 के ऊपर सस्टेन के बाद ये स्टॉक आपको 25-30 तो सेकंडों में दिखा देगा, समझ जाओ आप। और मेरी साइड से ये ट्रेड ओपन चैलेंज ट्रेड होने वाली है, एक शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। इसके काफ़ी लंबे टारगेट बोल सकते हो कि एक ह्यूज टारगेट निकल के भी आ रहे हैं, तो आप इस स्टॉक को अपनी रडार पर ज़रूर रखें। तो आप देख सकते हो ये वॉल्यूम जो आया ना, ये अपने आप में कुछ दिखा रहा है कि अब फाइनली तैयार हो चुके हैं इसे फ्लाइट ऊपर की तरफ उड़ाने के लिए ऑपरेटर। तो आप भी इस ऐसे स्टॉक में थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्ट कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब तक अगर आप लोगों ने इसका नाम नहीं जाना तो अब मैं आपको नाम बता देता हूँ, इस स्टॉक का नाम है PFS, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ नेम देखने आते हैं, वो उसके पीछे का लॉजिक समझना नहीं चाहते। तो मैं यही बोलूँगा, अभी आप जब तक इसका फंडामेंटल नहीं देखोगे आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट रेशियो भी छोड़ सकते हो। एक बोलते हैं ना परसेंट रिटर्न, वो आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक समझोगे कि इसके फंडामेंटल में क्या चीज़ मक्खन भी निकल कर आ रही है। तो अभी आप बस इतना समझ सकते हो कि एक 20 का ब्रेकआउट दिया है इसने विद वॉल्यूम, तो मे बी अभी आप लोगों को ये अगेन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद मिल सकता है। बट ये स्टॉक ऐसा है कि आप इसे एक्युमुलेट भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म का तो ये अपने आप में एक चीता स्टॉक निकल कर आ ही रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हो आज के दिन में भी इसमें बहुत भयंकर तेजी थी विद वॉल्यूम, तो आप इसे आराम से ऐड कर सकते हो। ये सब रेंज इसकी खरीदारी की है, मतलब आप इसमें छोटा मोटा अमाउंट लगाकर या अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसे बाय भी कर सकते हो। बाकी मेरी साइड से ये ओपन चैलेंज ट्रेड होगी, 24-26-30 तक के इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, जो बनता है अपने आप में 20-30% इजी। जैसे PNB गिल्ट दिया था मैंने आपको 50%, सेम वही बनना है। अब आप कंपनी का नाम देख सकते हो, PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी आप अगर देखोगे ना तो जो फाइनेंस रिलेटेड सारे स्टॉक हैं उनमें आ चुका है एक बहुत तगड़ा बूम। अभी आप देखो सारे स्टॉक हवा की तरह उड़ रहे हैं बट ये स्टॉक अभी इतना नहीं उड़ा, तो कहीं ना कहीं ये भी इसका प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है। बोला था ना लॉजिक बताऊंगा, वो यही लॉजिक था। बाकी आप लोग देख सकते हो कि कंपनी का टोटल जो मेन वर्क है ना वो फाइनेंस रिलेटेड ही वर्क है, तो कहीं ना कहीं इसका यही प्लस पॉइंट है कि इसका सेक्टर में काफ़ी तेजी है। और अब तक अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा ना, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को कर रहे हो मिस, क्योंकि मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। PTC इंडिया फटेगा एक हफ्ते के अंदर, बट आपको इस टेलीग्राम चैनल के अंदर 1-2 दिन के अंदर 5-10% का रिटर्न मैं दिलाऊंगा ओपन चैलेंज के साथ। लाइव परफॉर्मेंस देख लो, आप लोगों की आईज भी शॉक हो जाएंगी। फ्री चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप लोग टेलीग्राम पे सुमित स्टॉक मैजिक को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप लोग कंपनी की मार्केट कैपिटल देखो, अराउंड 1300 करोड़ के आसपास है, अपने आप में बहुत ह्यूज है। उसके बाद स्टॉक पी देखो अभी 20 से कम है, तो ये भी इस कंपनी का एक प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है ये स्टॉक कितना ऊपर तक फट सकता है। पर्सनली मैं बोलूँगा 40 तक के टारगेट तो इसके निकल कर आ रहे हैं। और अब आप लोग देखो इसकी सेल्स भी लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखो ये भी इसका प्लस पॉइंट निकल के आएगी। कंपनी प्रॉफिटेबल है, एक बीच में लॉस इसने सफ़र करा था बट एक ही क्वार्टर में गया था 2018 में, बट उसके बाद फिर से कंपनी दोबारा से प्रॉफिट में, तो ऐसी कोई दिक्कत की भी बात निकल के नहीं आ रही। नेट प्रॉफिट भी इसका देख सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये भी कोई घाटा नहीं कि भाई कंपनी लॉस में हो, पूरी प्रॉफिटेबल कंपनी है। बीच में एक साल से लॉस हो गया था, तो ये भी इतना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हो आप लोग इसका, 2020 में 5% का हुआ है, बट अब इसकी
उम्मीद समझ जाओ बहुत आगे जाने के निकल कर आ रहे हैं, टारगेट्स के काफ़ी लंबे हैं। पर्सनली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, एक बार आप लोग अपनी एनालिसिस भी ज़रूर करें। बाकी आप लोग देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग इसके पास 65% है, पब प्रमोटर के पास इसके स्टेक, और FII और DII का भी एक इसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। कहीं ना कहीं देखो ये लोग भी इंटरेस्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कुछ बड़ा निकल कर आ रहा है, और पब्लिक के पास तो है ही 30% का माल। तो मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना, मल्टीबैगर स्टॉक तो बनेगा। आप लोग भी अपनी मुझे कमेंट सेक्शन में राय बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।